आज बनाने वाली हूँ परवल की सूखी सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं परवल की सूखी सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम रेडी करके रखे हैं, कुछ मसाला रेडी करके रखे हैं, जैसे कि जीरा पाउडर है, यहाँ पे अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, और हरी मिर्च का पेस्ट है, और नमक है, हल्दी है, और मंगरेला है, और यहाँ पे प्याज लहसुन और टमाटर काट के रखे हैं, और परवल तो चाहिए ही। तो परवल को जो है हम धो के छिल के इस तरह रखे हैं, और इसको जो है थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के मिक्स करके फिर इसको फ्राई करेंगे। और ये जो परवल है इसको दोनों तरफ से बस थोड़ा थोड़ा सा ही फाड़ के, थोड़ा सा फाड़े हैं बस, ताकि अच्छा से अंदर भी फ्राई हो जाए, और जो मसाला भी बनाएंगे इसका तो मसाला भी अच्छा से परवल के अंदर चला जाए इसलिए। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म हो गया था, अब सरसों तेल डाल दिए हैं, अब एक एक करके सारा परवल फ्राई कर लेंगे। और देखिए परवल को हम दोनों तरफ से इस तरह काट लिए हैं, अब चलिए फ्राई कर लेते हैं। जब तक परवल फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ पे प्याज और टमाटर लहसुन को जो हम रखे थे उसको चॉप कर लेते हैं मशीन में, और यहाँ पे चॉप कर लिए हैं। और ये जो परवल है परवल को भी थोड़ा सा उलट पुलट करके दोनों तरफ अच्छा से फ्राई कर लेते हैं, बस हल्का लाल होने तक ही करेंगे। अब उसको निकाल के फिर जो बचा था उस सब परवल को भी इसमें डाल दिए हैं। अब सारा परवल फ्राई हो गया है, अब उसी तेल में मंगरेला थोड़ा सा डाले हैं और 2 खड़ा लाल मिर्च डाले हैं। अब इसमें जो प्याज टमाटर और लहसुन को चॉप करके रखे थे इसको डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको फ्राई करेंगे, नमक और हल्दी डाल के फ्राई करेंगे। प्याज जो है गोल्डन कलर हो गया है, अब इसमें मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर है, अदरक है, और हरी मिर्च का पेस्ट है, बस यही 3 चीज़ लगेगा। और इसको अच्छा से अब प्याज के साथ ही थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जल नहीं जाए। अब डालेंगे 1 चम्मच जैसा लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी वाला डालेंगे, और अभी अच्छा से फ्राई कर लेते हैं। और इसमें अब जैसे ही थोड़ा सा तेल निकलने लगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमको सूखी सब्जी बनाना है परवल का, इसलिए अब देखिए ढक दिए थे, उसके बाद फिर सारा परवल डाल दिए हैं इस मसाला में। अब बस कुछ देर और ढक के पकाएंगे, फिर जैसे ही सारा परवल पक जाएगा उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, और लीजिए बन गया परवल की सूखी सब्जी। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करके खा के देखिए।